बुर्जे हमल, इज्जत और वकार में इजाफा करने वाला दिन है। आपके कामों में आने वाली रुकावटें खत्म होंगी। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना बेहतर रहेगा। कोई सफर करना पड़ सकता है। बैरून मुल्क कारोबारी सरगर्मियां तेज रहेंगी। जो लोग दयारे गैर में हैं उनको अच्छी खबरें मिलेंगी। दिन के कुछ औकात इबादत के लिए मखसूस करें। अल्लाह पाक से बहुत ज्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि दुआएं मुश्किलों को कम कर देती हैं। इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी और आम रोजगार के मसाइल हल होंगे। कुछ मामलात पर घर में बहस हो सकती है। सबकी बात सुनकर मसले का हल निकालें। हर काम में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। औरतों के साथ मोहतात रहते हुए बातचीत करें। निकाह वगैरह में खराबी आ सकती है। बोर ये सौर, आपके लिए दिन के असरात नॉर्मल हैं। कारोबार, रोजगार और मुलाजमत के मसाइल हल होंगे। बेहतर रोजगार के ख्वाहिशमंद लोग कामयाबी की उम्मीद रखें। कारखानादार, मजदूर और आम लोग बेहतर कोशिश कर सकते हैं। राह चलते हुए या किसी गाहक से तलख कलामी ना करें। नमाज और दुआ के लिए वक्त निकालें। कबूलियत करीब है इंशाल्लाह। बोर ये जौजा, आपके लिए बरकत लाने वाला दिन है। कारोबार, समाजी सरगर्मियां, इबादात, कुरान पाक हिफ्ज करने वाले, तहरीरी काम करने वाले, वकला, जज, डॉक्टर, नर्सिंग और दीगर कमर्शलों जिद्दत पसंदी के काम करने वाले, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मशीनरी स्टोर, ऑटो स्टोर, सब लोग रोज़गार के फवायद हासिल करेंगे। मगर किसी से या औरतों से तलख कलामी आपके गले पड़ सकती है। दुआ के लिए आज हाथ ज़रूर उठाएं। बोर ये सरतान, आज का दिन आपकी समाजी सरगर्मियों में मुआवनत करेगा। कारोबारी लोगों को जो भी पेशा है बेहतर अंदाज में काम करेंगे। मगर अगर कोई कानूनी शोबा से मुतलका काम है तो पहले मशवरा करना बेहतर रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ करें। उम्मीद है फतह नसीब होगी। रिश्तेदारों और अजीजों के साथ बातचीत करना बेहतर रहेगा। अच्छे फवायद मिलने की उम्मीद है। बोर ये असद, आज आपके माली मामलात में बेहतरी आएगी। मगर किसी पर अंधा एतमाद ना करें। लेन देन के मामलात में जो चीज़ आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उसकी रकम का लेन देन अच्छे अंदाज में करें। किसी भी बात पर तलख कलामी आपके कारोबार पर असर अंदाज हो सकती है। काम के दबाव की वजह से कुछ परेशानी है जो आज दुआ करने से हल हो जाएगी इंशाल्लाह। बोर ये सुमला, कामों में बरकत दिलाने वाला दिन है। आपके जाती और घरेलू कामों में बेहतरी आएगी। अगर कोई वजीफा कर रहे हैं तो आज नमाज के बाद खसूसी दुआ करें। कारोबारी मुश्किलात इंशाल्लाह हल होती हुई नजर आएंगी। किसी तब्दीली की तरफ जहन मायल हो रहा है जो आपके काबिले स्ताइश रहेगा। समाजी सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ेगी। अपने कारोबार पर तवज्जो दें और अपने साबका मामलात में मशवरे करके काम करें। बोर ये मेज़ान, आप अपने मामलात में ज़रा मोहतात रहते हुए काम करें। किसी से तलख कलामी नुकसान पहुँचा सकती है। औरतों के साथ अपने तलकात बेहतर बनाने की कोशिश करें। नाराज़ लोगों को मनाने की कोशिश करें। कानूनी काम और आला तालीम के लिए की गई कोशिशें कारगर साबित होंगी। मशीनरी के काम में बेहतरी आएगी। बोर ये अकरब, आपके लिए अहम दिन है। घरेलू मामलात में जो मसाइल पेश आ रहे हैं उनमें कमी आएगी। सफ़र पर जाना बेहतर रहेगा। ज़ियारात मुकद्दसा पर जाना फ़ायदेमंद रहेगा। कारोबारी मामलात में अपनी हिकमत अमली में वसअत ला सकते हैं। कुछ लोग अच्छी आमदन से मुस्तफीज होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बोर ये कौस, आज का दिन आपकी तवज्जो एक दानिशमंदाना कदम उठाने की तरफ मबजूल करा रहा है। बिगड़े हुए सरकारी, घरेलू और समाजी कामों में बेहतरी मिलने की उम्मीद रखें। आप किसी साजिश का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए आज औरतों से बातचीत करते हुए नॉर्मल गुफ्तगू करें। विरासती अमूर और इंश्योरेंस के कामों में अभी ना उलझें। दुआओं से अपने शऊर को ताकतवर बनाएं। अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। बोर ये जद्दी, आज दिन के असरात आपको सेहत के मसाइल को हल करने में मदद करेंगे। कोई अच्छा मुआलज मिल सकता है इंशाल्लाह। अशिया की खरीदो फरोख्त में भी अच्छी पेशरफ्त रहेगी। किसी भी काम में तब्दीली के लिए मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो आज आपको अच्छी रहनुमाई मिल सकती है। कानूनी कामों में बढ़तरी हासिल रहेगी। बोर ये दल्व, आपके लिए एक नॉर्मल असरात वाला दिन है।
मशीनरी और सेहत के मसाइल में आपको बेहतरी मिलेगी। इंश्योरेंस और विरासत के मसाइल भी हल हो सकते हैं। अज़वाजी या औरतों के दीगर मसाइल में खुद को ना उलझाएं। ज़मीन जायदाद और लेन देन के मामलात भी सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि उनकी खराबी की तरफ जाने के अमकान ज़्यादा हैं। नमाज पंजगाना और दुरूद इब्राहिम पढ़ने से मसाइल का हल मुमकिन हो सकता है इंशाल्लाह। बोर ये हूत, आज का दिन नशेब फराज में गुजरेगा। आपके लिए दिन की पोजीशन एक मुम्मा है। कुछ काम हल तलब हैं। किसी भी काम के लिए आपकी हिकमत अमली ही काम आएगी। पेट्रोलियम गैस और केमिकल के शोबों से मुंसलक लोग आसानी से अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे। मेडिसन तैयार करने वाले इदारे, मशरूबात और पानी का कारोबार करने वाले लोग बेहतर काम कर सकेंगे, मगर किसी से उलझना बेहतर ना होगा।